बाबू के टीटू की स्वीटी ने जब से 100 करोड़ कमाए हैं, कार्तिक आर्यन की चाल बदल गई है। कामयाबी कदम चूम रही है, लेकिन सिर इसके बाद भी पूरी हिम्मत और हौसले से मजबूत कंधों पर अब भी टिका है। कार्तिक को जल्दी नहीं है, वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। कार्तिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कामयाबी उनके सिर न चढ़ जाए और ग्वालियर के सीधे साधे लड़के वाला उनका चाम उनसे कहीं खो न जाए। 2018 की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है मेरी, एंड मैं मतलब मेरी पूरी टीम को उसके लिए मतलब कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा। खुद भी मैं बहुत खुश हूँ उस बात से। 2018 के बाद 2019, 20, 21 सब ऐसे ही जाते जाए, बस यही मनोकामना है। कार्तिक का स्टारडम धीरे धीरे असर कर रहा है, उनकी ब्रॉड बिल्डिंग टीम अब संभल कर काम कर रही है। जोर पूरा इस बात पर है कि कार्तिक की स्मॉल टाउन बॉय गेट्स ह्यूज सक्सेस इन बॉलीवुड वाली उनकी इमेज ही बरकरार रखी जाए और कैरेक्टर्स की लुका छिपी में भी पूरा बैलेंस बना रहे। जी बहुत खुश है, इनफैक्ट मैं अपनी फिल्म जो लुका छुपी है उसकी शूट मैं ग्वालियर में कर रहा था, मेरे होम टाउन में। तो पहली बार ऐसा वो जहाँ पे ड्रीम किया था एक्टर बनने का, वहीं पे मैं शूट कर रहा था, तो लाइफ फुल सर्कल में आ गई थी। एंड वहाँ पे जिस तरीके की रिएक्शन या प्रक्रिया उनकी लोगों की आई थी, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है ना, तो वो वैसा था। और बहुत खुश हूँ, मतलब अपने होम टाउन में आके शूट करना और वहाँ पे जब लोग खुशी से देखते हैं आपको, खुशी से कोई खाना लाता है, कोई कुछ आपकी फ़ोटोज लाता है, तो आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट इज़ हैपनिंग। और सोनू के टीटू की स्वीटी ने बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा ये फिल्म से, एंड होपफुली मैं आगे भी ऐसे ही काम करते रहना चाहूँगा। कार्तिक की अगली फिल्म लुका छिपी की शूटिंग करीब करीब पूरी होने वाली है। इसके बाद वो शुरू करेंगे जैकलिन फर्नांडिस के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म। जैकलिन के साथ हाल ही में वो एक कमर्शियल भी शूट कर चुके हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com, मुंबई।